सरपंच पद के आप उम्मीदवार हो और काफ़ी मेहनत जो है आपने ग्राउंड में भी की है, एक अच्छी नॉलेज भी, एजुकेटेड भी आप जो है। जी, तो हमें भी सुना था भी आप जो है दबाव भी डाला गया है, काफ़ी जो है हरासमेंट भी आपको किया गया है। डाला ही जा रहा है सर, अभी भी लिटरली अच्छा, भी जाली डाला ही जा रहा है कि आज भी दोपहर 10 बजे तक भी ये बातें चली रही हैं कि मतलब और सुनने में अभी आपके जो बैनर होल्डिंग जो आपने लगाए थे तो वो उनको भी जो है वहाँ से जितने भी लगाए थे सर पूरे गांव में सभी के सभी उतार लिए गए हैं, उतार के इवन उनको फाड़ दिया गया है और गलियों में ऐसे जहाँ पे डर्टी जगह होती है जैसे लाइक कीचड़ एंड देन गोबर ऐसे ऐसे जगह पे उनको डिस्ट्रॉय किया गया है, फेंका गया है सर। जी, फिर भी आप जो अपने स्टैंड पे हो, आपने हौसला नहीं तोड़ा इसके बावजूद भी। नहीं मतलब मतलब अगर मैंने सरपंची को चुना है तो इसलिए नहीं चुना है कि मतलब कि मुझे मेरे बैनर ही छपवाने थे, जो काम है वो तो मुझे करना ही है, मुझे बैनर से ज़्यादा वोट चाहिए थी, वो लोग खुद ही मतलब कर रहे हैं सपोर्ट जहाँ तक हो रहा है। तो आप एक टीचर भी हो? जी सर मैं टीचर हूँ, एक जी कोच भी हूँ, रेसलिंग की कोच हूँ मैं, प्लेयर हूँ। अच्छा जी, अच्छा। जी तो अच्छा, हम बात करते हैं मुद्दे की। जी सर, आप सरपंच जी के चुनावी मैदान में आए हैं, तो क्या आपकी सोच है भी गांव को किस तरह का ब्लूप्रिंट आप देना चाहोगे, किस तरह से जो गांव के विकास को आपने सोच बना रखी भी इस तरह से जो है मैं इस व्यवस्था को चेंज करके जो है गांव के विकास को और जी एक जी गांव को विकसित बना सकते हैं। जी जी हर अगर कैंडिडेट के अपने अपने मुद्दे होते हैं, जी 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 आपके क्या मुद्दे हैं गांव के लिए? मेरे सर सबसे मेन बात तो है आज के टाइम में अगर बेटी बहू और छोटे छोटे बच्चों के लिए अगर देखा जाए तो सबसे पहले सिक्योरिटी। तो मैं अगर सरपंच के लिए मुझे चुना जाता है मेरे गांव की तरफ से तो मैं हर गली के चौराहे पे कैमराज की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, क्योंकि कई गलियां हमारे गांव में ऐसी है जहां पे बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है तो वहां पे मतलब लाइट वाइट और सारी चीज़ों का सोचा है मैंने। उसके बाद फिर मैंने ये देखा है कि अगर गांव में हमारे गांव में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए कि जो बेटियां जो बहुएं पढ़ना चाहती हैं जो शादी करके आई हैं या फिर बेटियां हैं, क्योंकि मोस्टली गांव वाले जो ये कहते हैं कि भाई शहर में नहीं भेजेंगे और इस उससे बच्चे हमारे बिना पढ़ाई के रह जाते हैं, तो मैंने एक लाइब्रेरी भी सोची है कि छोटी एक लाइब्रेरी खोली जाए यहाँ पर। दूसरा फिर जो होता है सिलाई मशीन और कढ़ाई मशीन, जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा सेंटर यहाँ पर लेके आएँ कि ताकि बच्चे पढ़ लिख के और सिलाई के पढ़ाई के साथ साथ सिलाई कढ़ाई ये सब सीखे ताकि लाइफ में उन लोगों के वो काम आए, क्योंकि एक स्टडी यानी कि ज्ञान वो किसी भी चीज़ का लिया जाए वो सारी ज़िंदगी साथ देता है, भले हम बूढ़े हो जाएं लेकिन जो हमने शिक्षा पा ली जो हमने सीख लिया वो हमारे साथ रहता है। जी, सबसे बड़ी प्रोग्रेस मतलब किस मुद्दे को लेकर आप चल रहे हो, इस जो मुद्दा है ये व्यवस्था है इससे मैं जो है काम के एक अच्छे स्तर को बढ़ा सकती हूँ? बिकॉज आई एम ए टीचर तो मैं टीचिंग के लिए ही कहूँगी क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, तो मैं मतलब मैं चाहूँगी कि हर बच्चा पढ़े, हर बच्चे का कम्युनिकेशन बने, क्योंकि हम जब हरियाणा से बाहर जाते हैं ना तो हमारी जो लैंग्वेज होती है कम्युनिकेशन होता है उसको लेके भी बहुत सारे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं कि इनको बोलने का तरीका नहीं है। सबसे ज़्यादा तो मैं ये चाहूँगी कि स्टडी को ही आगे लेके जाऊँ, कुछ बहुएँ कुछ बुजुर्ग जो हैं वो लोग थोड़े पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनको नाम लिखना या फिर कुछ ऐसा आना चाहिए जिसे हम प्रौढ़ शिक्षा बोलते थे, तो वो मैं चाहती हूँ कि गांव में लेके आए, कुछ ऐसे सेंटर खोले जाएं ताकि एजुकेशन से रिलेटेड ही हूँ, लाइक अकेडमी है, अकेडमी के लिए बच्चा गांव से बाहर जाता है। अगर हमारे स्कूल हमारे गाँव में नॉन मेडिकल मेडिकल कॉमर्स की अकेडमीज अगर ओपन हो जाएँ तो हमारा बच्चे को दोनों ही फैकल्टी मिल जाएंगी, गाँव की बेटियाँ पढ़ लिख जाएंगी, बहुएं जिनकी स्टडी बीच में रह गई है वो भी कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे को गांव से शहर भेजना बहुत बड़ी बात लगती है गाँव वालों को, लेकिन अगर वही फैकल्टी हमारे गांव में उनको मिलेगी तो वो बच्चे कंटिन्यू अपनी स्टडी को भी रख पाएंगे सर। तो मेरा सबसे पहला काम ये रहेगा कि एक तो लाइब्रेरी खोली जाए, एक CSC सेंटर जो डॉक्यूमेंट्स या गवर्नमेंट जॉब के लिए जो बच्चे अप्लाई करते हैं एक CSC सेंटर भी हमारे गाँव में होना चाहिए। तो दूसरा आपका मुद्दा क्या रहेगा? दूसरा सर मेरा मुद्दा ये रहेगा कि जो अपनी यानी कि सफाई अगर हमारे गांव में रहेगी, जो वायरस जिसको हम बोल देते हैं तो ये वायरस ना हो, तो इसके लिए समय से जैसे दवाइयों का जो स्प्रे वगैरह होता है तो पूरे गांव में हम ये सोचेंगे कि भाई हमारी जो हमारी गलियां हैं और जो हमारे गांव के तालाब हैं वो सब नीट एंड क्लीन रहे। सबसे दूसरा मेरा यही काम रहेगा कि सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। तीसरा मुद्दा आपका क्या होगा? तीसरा मुद्दा सर अगर हम बात करें कि हम हमारे जो गांव के जो लोग हैं जिनकी जो हमारी जो आंगनबाड़ीज़ हैं
या फिर जिनका बिजली वगैरह का जो काम रुका हुआ है, जी कहीं बार ऐसी ज़मीनों का भी कुछ चला हुआ है, या गांव की जो बहू बेटियां हैं, बेटियों के जो झगड़े वगैरह होते हैं, तो उनको हम सोचेंगे अपने भी यहाँ पे शॉर्ट आउट किया जाए और एक अच्छी सरपंच मैं बनूँ, ताकि गाँव वालों को प्राउड फील हो कि हमने कुछ एक अच्छे नेता को चुना है। बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं गांव के अंदर, काफ़ी जो है यूट्यूबर ने करे हैं, तो उन्होंने लाइट बहुत सी मतलब दो तीन करे। तो इसके अलावा अलग क्या आपने सोच बना रखी, इनके अलावा भी कुछ सोच रख क्या है, क्योंकि आप बाहर भी रहे हो जी जी और आप एक टीचर भी हो, एक कोच भी हो, जी जी तो बहुत सी चीज़ें दिमाग में आती हैं किसी भी गाँव को, किसी भी मोहल्ले को एक अच्छी सक्सेस करने के लिए। जी जी तो इसके अलावा क्या आपकी और सोच है? उसके अलावा सर मैंने जो सोचा है, फिर वही बात आ जाती है रोजगार। अब बच्चा पढ़ लिख गया, बहू भी पढ़ लिख गई और गांव के बुजुर्ग भी हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, तो उसके बाद आ जाता है कि रोजगार के लिए कहाँ जाए। तो मैंने जैसे चंडीगढ़ या गुड़गांव या नोएडा में हैं बहुत सारी कंपनियाँ हैं, वो छोटे छोटे लघु उद्योग जिसको हम बोल देते हैं कि छोटी छोटी फर्म लाइक फैक्ट्री टाइप का, हम सोचेंगे कि कच्चा माल गाँव में लाया जाए ताकि उनकी पैकिंग वैकिंग या फिर कोई और कच्चे माल जैसे बहुत सारे काम हैं जो गांव में लाए जाएं, ताकि लोगों को रोज़गार भी मिले, तो उनको अपना काम करने के लिए बाहर न जाना पड़े। इवन बाहर के गांव वाले हमारे गांव में रोज़गार के लिए आए कि भाई हाँ यहाँ पे काम मिल सकता है। मैं चाहूँगी कि ऐसा कोई रोज़गार यहाँ लेके आए, वो मतलब एज ए सरपंच के पद पर होते हुए तभी मिल सकता है सर। मेरा सबसे बड़ा तो ये है, हम किसी शहर को गाँव तो बना सकते हैं लेकिन गांव को शहर बनाना बहुत बड़ी बात है। तो मैं कहूंगी कि मेरा गांव श्री राग केड़ा, मतलब जितने भी आसपास के गांव हैं उनमें ये हो कि हाँ वो गांव जो अब बना है वो कभी पहले था ही नहीं, और भी गांव के जो सरपंच हैं उस चीज़ को मतलब हमें कॉपी करें कि इतना अच्छा हम भी ऐसा कुछ करें, हमें करना चाहिए था। इधर से जी, युवाओं के लिए क्या आपने सोच बना रखी, क्योंकि आज के टाइम में युवा ही किसी भी गाँव का, किसी भी देश का भविष्य होता है। जी जी, तो उनके लिए क्या फैसिलिटी है युवाओं के लिए? सर मैं सॉरी आपकी बात बीच में काटेंगे, देखिए गवर्नमेंट जॉब का तो सबको पता है कि गवर्नमेंट जॉब अब रेयर है, बहुत ज़्यादा है। अब गवर्नमेंट जॉब सरकारी नौकरी के लिए तो सभी बोलते हैं कि हम लगवाएंगे, बट एज ए ग्राम पंचायत मैं अगर चुनी जाती हूँ, सरपंच चुनी जाती हूँ, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए हम अपने हिसाब से वेल एंड गुड कोशिश करेंगे। अगर फिर भी मतलब नहीं बन पाता तो डीसी रेट, मनरेगा जैसी ये जो एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब टाइप की ही होती हैं, हम मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरे गांव में अगर 100% लोग हैं युवा हैं तो उनमें से 60 या 80% लोग डीसी रेट या एक पर्टिकुलर अपना काम शुरू करें, ताकि ना तो युवाओं की बेरोजगारी रहे और ना ही गांव में गरीबी रहे। जैसे कि आप पर दबाव भी डाला गया है आप समर्थन के लिए, जी सर, फार्म उठाने के लिए, जी जी, तो उनके लिए भी कुछ संदेश है, कुछ उनके है, लिए कुछ अपील है? जी 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 जी, उनसे तो मेरी सिर्फ हाथ जोड़ के यही अपील है कि एक मैंने जो मैंने डॉक्यूमेंट मैंने अपने फॉर्म तैयार करे, जो सरपंच के फॉर्म भरे, उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज थी कि 15 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, बहुत सारे थे, वो सारे मैंने मेरी बेटी को साथ लेके, मेरी 3 साल की बेटी है उसको साथ लेके मैंने फॉर्म भरे और सारे कंप्लीट भी हुए। लेकिन अभी गांव वाले मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझ पर प्रेशर बना रहे हैं कि भाई इसके साथ कोई वोट मांगने नहीं जाएगा, मत भेजो, क्योंकि मैं और मेरी बेटी और भगवान सबके साथ होता है, अगर मुझे कुछ अच्छा करना है तो लोग चुनेंगे मुझे। जी जी जी। तो मुझे पे प्रेशर आ रहा है फैमिली का, मेरे बैनर्स भी थे जो मैंने ट्यूशन की फ़ीस से बनाए थे, पूरे महीने की ट्यूशन, मैं ट्यूशन भी देती हूँ गाँव के ही बच्चों को, उन्हीं की फ़ीस से मैंने बैनर बनवाए, पैम्पलेट्स बनवाए, और वही उन लोगों ने सभी फाड़ दिए, कल भी उन्होंने फाड़ा, सारी रात भी, इवन सारे गांव से आप पूछ सकते हो कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। एक मैं गरीब हूँ और गरीब के साथ साथ एक बेसहारा हूँ, एक मैं किराए के घर में रहती हूँ क्योंकि मुझे घर वालों ने घर से निकाल दिया, मेरे और मेरी बेटी को, अब हम कहाँ जाएंगे, मैं इस गाँव को छोड़ के तो नहीं जा सकती ना कहीं, लेकिन मेरे ऊपर हर तरीके से प्रेशर आ रहा है। अगर कोई लेडीज़ मेरे पास आती है तो उसको कह दिया जाता है भी अगर तुम यहाँ जाओ रहोगी तो भी तुम्हारे साथ ये होगा, तो ये छोटी छोटी बातें करके झगड़ा कर दिया जाता है। और लेडीज़ हैं वो जो सारी बहू हैं वो हट जाती हैं कि मैम हमारे साथ झगड़ा होगा, हम कैसे चलें। अब गांव में मतलब प्रचार के लिए मैं और मेरी बेटी हम अकेले जा रहे हैं दोनों, और हमारे साथ कोई नहीं है, लेकिन गाँव वाले मुझे इस चीज़ का आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं बेटा, क्योंकि आपके परिवार वाले जो पिछले जो हमारे सरपंच रह चुके हैं उन्होंने भी काफ़ी दबाव डाला हुआ है गांव वालों पे कि भी इस बहू का साथ कोई नहीं देगा। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगी लास्ट में,
कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और मुझे मेरे भगवान पे पूरा भरोसा है। रानी जी, जिस तरह से देखा जाता है ग्रामीण एरिया के अंदर जो है काफ़ी नशा बढ़ चुका है, युवा जो है नशे के घेरे में इस तरह से चंगुल में फंसे हुए हैं, तो गांव के अंदर किस तरह से आप काम करोगे नशे के? नशा के सर, सबसे पहले तो मैं एक टीचर हूँ और स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो स्पोर्ट्स पर्सन हूँ तो नशे के तो बिल्कुल ही खिलाफ हो गई। और मतलब मैं चाहूँगी कि युवाओं को इस नशे से कैसे बचा जाए। पहले कहते थे कि हमारा हरियाणा दूध दही का खाना होता है, अब वो खाना तो बिल्कुल ही बंद हो गया है। हम यहाँ से मतलब ये तो नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही ख़त्म करेंगे, लेकिन युवाओं को इस नशे से बचाने के लिए जो हमसे हो पाएगा हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। पहले लोग बोलते थे, जैसे अभी चुनावों में मेरे भी और प्रचारक हैं, जैसे मैं उठी हूँ, ऐसे बहुत सारे प्रचारक और भी उठे हुए हैं सरपंची के पद के लिए, फिर किसी जिला परिषद ब्लॉक समिति अदर्स हैं, वो सब कहते हैं कि हम नशा मुक्त करेंगे गांव को, नशा मुक्त पंचायत करेंगे, नशा मुक्त गांव करेंगे। ये बातें वो दिन में बोलते हैं बहुत बड़ी बड़ी, और शाम को वही नशा लेके किसी किसी के घर में पहुंच जाते हैं। मेरे सामने भी बहुत सारी बातें आई हैं कि बेटा आप कोई खर्चा नहीं कर रहे हो, ये करना पड़ेगा लोगों को, जब तक पिलाओगे नहीं तब तक वोट नहीं मिलेगी। मैं एक नशा मुक्त गाँव करूँगी तो नशा मुक्त सरपंच बनूंगी, और ये इसीलिए होगा कि मैं नशा नहीं बेचूंगी, नशा बेच के मुझे वोट चाहिए भी नहीं। और मेरी सभी से यही अपील है कि नशे मुक्त अपने गांव को करें, नशा मुक्त सिर्फ गांव नहीं सबके परिवार भी होंगे। जी रानी जी, क्या रिक्वेस्ट है आप करना चाहोगे क्या? मैं मेरे गांव वालों से हाथ जोड़ के यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे चुने, मुझे एक मौका दें ताकि मैं अपने गाँव को एक ऐसा गाँव बनाऊँ ताकि सभी गाँव वाले ये सोचे कि ये हमने पहले क्यों नहीं किया, और मुझे एक मौका दे, मुझे और मेरी बेटी पर अपने आशीर्वाद रूपी वोट देकर मुझे कामयाब बनाए। थैंक यू।